आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में रांची स्थित आजसू के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पिछले दिनों आयोजित महाधिवेशन के विचार को व्यवहार में लाने के लिए भावी कार्यक्रम पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित प्रमुख नेता मौजूद रहे। हालांकि आजसू की बैठक का मुख्य उद्देश्य मिशन 2024 भी है। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उन निर्णयों में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय समिति के जो पदाधिकारी होंगे उनमें 30% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो प्रतिशत है जो ये उसके हिसाब से हम लोग केंद्रीय समिति में उनको शामिल करने का काम करेंगे। इसके साथ ही राज्य में जो 260 प्रखंड और 55 जो नगर निकाय, हर नगर निकाय और हर प्रखंडों से हम लोग केंद्रीय समिति के एक एक पदाधिकारी जो एक्टिव है, जो समय देने वाले हो, पार्टी के लिए समर्पण और निष्ठा है, ऐसे लोगों को हम लोग शामिल करने का काम करेंगे। जो तय किया है इस बार जो केंद्रीय कमेटी बनेगा वो राज्य का चेहरा ऐसा होगा जो समाज, जिस तरह से समाज का यहाँ ये है पॉपुलेशन से जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये चेहरा दिखाई पड़े। पार्टी ने स्पष्ट रूप से तय किया है कि 30% महिलाओं के लिए 50%। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।